नमस्कार, मैं आपके साथ केके राणा। एएमपी नेटवर्क देख रहे हैं आप। और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट को जारी कर दिया है। इस लिस्ट में सबसे पहले जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम है, इसके बाद उनकी पत्नी का, और फिर चौथे नंबर पर मनीष सिसोदिया का, और फिर सत्येंद्र जैन का दसवें नंबर पर आता है। यानी कि कुल मिलाकर 40 लोगों के नाम इस लिस्ट में शामिल हैं। यह पहला मौका होगा जब अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल पार्टी की तरफ से उम्मीदवार के लिए प्रचार पर उतरेंगी, और इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। कहते हैं सियासत अच्छों अच्छों को बदल देती है, ये कहावत अरविंद केजरीवाल पर एकदम सटीक बैठती है। कल तक जो अरविंद केजरीवाल पानी पी पी कर परिवारवाद के लिए कांग्रेस को कोसते थे, आज वे खुद उसी रास्ते पर चलते नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट जारी की है, उसमें केजरीवाल के परिवारवाद की छाप को साफ देखा जा सकता है। आम आदमी पार्टी ने चुनाव प्रचारकों की जो लिस्ट जारी की है, उसमें पहला स्थान जेल में बंद अरविंद केजरीवाल की पत्नी का है। लिस्ट में केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को भगवंत मान से ऊपर जगह दी गई। ये पहला मौका होगा जब अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल पार्टी की तरफ से उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने उतरेंगी। इस लिस्ट में 40 नेताओं को जगह दी गई है। सूची में अन्य प्रमुख नाम आपके राज्यसभा सदस्य संजय सिंह, राघव चड्ढा, संदीप पाठक के हैं। इस सूची में राज्यसभा सदस्यों हरभजन सिंह और स्वाति मालीवाल का नाम नहीं है। स्टार प्रचारकों की सूची में सुनीता केजरीवाल का नाम शामिल करने को लेकर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। दिल्ली बीजेपी प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा ने कटाक्ष करते हुए कहा कि आप में भ्रष्टाचार के साथ साथ भाई भतीजावाद का भी स्वागत है। वहीं बीजेपी के आरोपों पर पलटवार करते हुए आम आदमी पार्टी का कहना है कि उनके पास कहने के लिए और कुछ नहीं बचा है। इसके साथ आम आदमी पार्टी के नेता एक बार फिर से इमोशन कार्ड खेलते हुए कहा कि एक निर्वाचित मुख्यमंत्री को सलाखों के पीछे डाल दिया गया, उनकी पत्नी को उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलने की अनुमति नहीं है, क्या उन्हें शर्म नहीं आती? राजनीति में गिरावट किस तेजी के साथ होती है, इसे आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल में देखा जा सकता है। अरविंद केजरीवाल जहां भ्रष्टाचार और परिवारवाद से कोई समझौता नहीं करने का वादा करते थे, पर आज वे उन्हीं वादों के खिलाफ काम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एएमवी नेटवर्क। तो 2011 का वो दिन याद कीजिएगा, 11-12 में, जब अरविंद केजरीवाल ने अन्ना हजारे के साथ रामलीला मैदान में एक आंदोलन किया था। उस आंदोलन से तमाम बातें बोली गई थी। यह भी कहा गया था कि परिवारवाद देश के लिए खतरनाक है। यह भी कहा गया था कि देश में जितनी भी अव्यवस्थाएं हैं, फिर चाहे वो महंगाई हो या अन्य चीजें हो, उनकी जड़ में भ्रष्टाचार नजर आता है। ये सारे शब्द अरविंद केजरीवाल ने बोले थे। और जब आंदोलन खत्म करने के बाद उन्होंने पार्टी बनाने का ऐलान किया, तब भी इन्हीं बातों का जिक्र किया था कि जो पार्टी अब बन रही है वो किसी एक परिवार की पार्टी नहीं होगी, बल्कि उसमें आम जनता मालिक होगी। लेकिन क्या आम आदमी पार्टी में अब ऐसा लगता है? उन्होंने यह भी कहा था कि परिवारवाद की राजनीति से ऊपर उठकर देश में एक नई राजनीति की राह पर चला जाएगा। तो क्या अब ऐसा लगता है? अब अरविंद केजरीवाल की पार्टी यानी कि आम आदमी पार्टी ने गुजरात के लिए स्टार प्रचारकों की 40 लोगों की लिस्ट निकाली, जिसमें सबसे पहला नाम अरविंद केजरीवाल का, दूसरा नाम सुनीता केजरीवाल का, तीसरा नाम संदीप पाठक का, और चौथा नाम मनीष सिसोदिया का। यानी कि जेल में बंद तीन अपने प्रमुख चेहरों के नाम भी इस लिस्ट में शामिल हैं। जबकि इस बात को आम आदमी पार्टी भी बेहतर तरीके से समझती है कि जेल में बंद नेता चुनाव में प्रचार करने के लिए बाहर नहीं आ सकते हैं,
ना अरविंद केजरीवाल आ सकते हैं, ना मनीष सिसोदिया आ सकते हैं और ना ही सत्येंद्र जैन आ सकते हैं, लेकिन फिर भी आखिर स्टार प्रचारकों की लिस्ट में उनके नाम को क्यों रखा गया? इसके पीछे का उद्देश्य यह है कि पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को यह समझाने की कोशिश कर रही है कि जो नेता उनके जेल में है उनके साथ पार्टी पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। हमारे साथ जो मेहमान इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जुड़ गए हैं उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ देवमोहन सिंह जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर आशीष हांडा हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता हैं बीजेपी के। और हमारे साथ निरंजन पोदार जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। आप तीनों का स्वागत है। देवमोहन जी, आपसे मैं सवाल करूंगा लेकिन उससे पहले एक बाइट सुनवाना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल ने 8 अगस्त 2022 को क्या कहा था, एक बार बाइट प्ले कर दीजिए। इस देश में एक पार्टी है जो परिवारवाद करती है और इस देश में दूसरी पार्टी है जो दोस्तवाद करती है। समय आ गया ये संकल्प लेते हैं कि इस देश के अंदर आज 75वीं वर्षगांठ के अवसर पे हम इस देश से परिवारवाद खत्म करेंगे, दोस्तवाद खत्म करेंगे और भारतवाद लेके आएंगे। तो देवमोहन जी, आपने ये बयान तो सुनी लिया होगा कि हम परिवारवाद खत्म करेंगे, लेकिन सुनीता केजरीवाल अब राजनीति में एक्टिव हो गई हैं, उनकी एंट्री भी लगभग हो गई है, स्टार प्रचारकों की लिस्ट में आ गई हैं। तो आम आदमी पार्टी का परिवारवाद और बाकी पार्टियों का परिवारवाद, अंतर कैसे? अंतर की बात कर रहे हैं आप? हाँ, तो अंतर तो सीधा आवाज रिपीट हो रही थी। मैं जहां तक आप अंतर की बात कर रहे हैं परिवारवाद में, वो तो अंतर एकदम सीधा सीधा दिखाई देता है। देखिए, जनता के हाथ में बागडोर देना, जैसे चौधरी चरण सिंह जी थे, उनके पुत्र थे अजीत सिंह जी, जयंत चौधरी। जनता के हाथ में उन्होंने सौंप दिया खुद को, लेकिन जनता ने नकार दिया। आज स्थिति देख लीजिए आप, ठीक है? तो और आज की डेट में जो भारतीय जनता पार्टी में इतने सारे नाम हैं, आवाज आ रही है क्या मेरी? हाँ देव जी, अपनी पूरी बात रखिए। हाँ जी। तो जी, जैसे भारतीय जनता पार्टी में नाम है, बहुत सारे नाम हैं जिनकी लिस्ट है, आप देख सकते हैं, जैसे पंकज सिंह हो गए, है ना? तो ये जो है ये निरंकुश परिवारवाद है, मतलब ये थोपा गया परिवारवाद है, क्योंकि जनता के हाथ में ताकत होती है, जनता नकार दे, एक्सेप्ट कर ले। नहीं तो सुनीता केजरीवाल थोपी हुई नहीं है फिर। एक पार्टी के मुखिया को आपने सिर्फ लोकसभा इलेक्शन से, आम आदमी पार्टी को लोकसभा इलेक्शन से बाहर रखने के लिए, ठीक है, कि हार जाए, आम आदमी पार्टी नष्ट तो नाबूद कर दे, इसके लिए आपने हमारे मुखिया को अरेस्ट नहीं किया। मेरा सवाल ये था ही नहीं ना, मेरा सवाल तो बड़ा सीधा सा था देव जी। अरविंद केजरीवाल ने जब पार्टी की शुरुआत की तो उन्होंने रामलीला मैदान से इसी बात का जिक्र किया कि यह पार्टी किसी एक परिवार की पार्टी नहीं होगी, ये आम जनता की पार्टी होगी। लेकिन सुनीता केजरीवाल की एंट्री क्या उनके इस बयान को सही करती है? जी बिल्कुल, मैं क्या कह रहा हूं कि अच्छा चलिए ठीक है, आपने कहा बिल्कुल, चलिए आप बताइए, अगर जेल में वो हैं और अगर इस्तीफा देना पड़ता है अरविंद केजरीवाल को, तो मुख्यमंत्री कौन होगा और पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा? इस्तीफा क्यों देना पड़ेगा उनको? नहीं, मैं तो कह रहा हूं ना, एक बार मान लीजिए अगर ऐसा होता है तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री? देखिए, मैं वही बता देता हूं कि ये कोई मैं बैठ के नहीं बता सकता, विधायक गणों की मीटिंग होती है, आपको तो पता है। चलिए आप ये बता दीजिए कि आखिर सुनीता केजरीवाल को ही आगे क्यों आना पड़ा, जिस कुर्सी पर बैठकर, सुन लीजिए ना मोहन जी, जिस कुर्सी पर बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस अरविंद केजरीवाल करते थे, उसी कुर्सी पर बैठकर सुनीता केजरीवाल को क्यों बयान देना पड़ा? क्या राघव चड्ढा नहीं दे सकते थे, या बाकी आतिशी नहीं दे सकती थी, सौरभ भारद्वाज नहीं दे सकते थे? ये आपने सुना नहीं, आपने ढंग से देखा नहीं जी। जिस कुर्सी पे अरविंद केजरीवाल जी बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे,
उस कुर्सी पे संदीप पाठक जी ने भी बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इंडिया गठबंधन की जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें सीट शेयरिंग को लेके वो संदीप पाठक भी उसी कुर्सी पे बैठे थे। मैं अब की बात कर रहा हूं ना कि अरविंद केजरीवाल की जगह सुनीता केजरीवाल को क्यों आना पड़ा, उनका संदेश सुनीता केजरीवाल को क्यों पढ़ना पड़ा जबकि वो राजनीति से बाहर है। वो जेल में जाके मिलती है, उनकी धर्म पत्नी है, वो जाके जेल में मिलती आम आदमी पार्टी की सदस्य है, आम आदमी पार्टी के सदस्य है, कार्यकर्ताओं के, आम आदमी पार्टी के सदस्य है। देव जी आम आदमी पार्टी की सदस्य है सुनीता केजरीवाल, क्या कह रहे हैं आप? आम आदमी पार्टी की सदस्य है सुनीता केजरीवाल या नहीं? नहीं तो देखिए पहली चीज सदस्य है नहीं है वो मुझे पहले जवाब दीजिए ना, है या नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं पता इस बारे में है या नहीं है। सुनिए, जब अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने, पहली बार मुख्यमंत्री बने, आपको लॉबी में सुनीता केजरीवाल जी दिखी कि नहीं दिखी? अरे आप दूसरी बातों से दूसरी बोल जाइए, मुझे सीधा सा जवाब दीजिए कि वो आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता है या नहीं है। केजरीवाल जी दिखी कि नहीं दिखी? आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता सुनीता केजरीवाल है या नहीं है? जब हमने यमुना आरती कराई, अरविंद केजरीवाल जी के साथ सुनीता केजरीवाल दिखी कि नहीं दिखी? देव जी मेरा सवाल है कि वो क्या आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता है या नहीं है, आम आदमी पार्टी की मेंबर है कि नहीं है, किस उससे जा रही है, बैठ रही है इनके साथ, मुख्यमंत्री के साथ? अरे धर्म पत्नी है। अरे मैं वही तो पूछ रहा हूँ ना, तो क्या वहां पर एक पत्नी की हैसियत से जनता को संदेश दे रही थी या एक मुख्यमंत्री की पत्नी की हैसियत से? जनता को संदेश दे रही थी कि एक मुख्यमंत्री की पत्नी जो जेल में मिलके आई थी। भाई मिलने भी तो नहीं दे रहे हैं, मिलने नहीं दे रहे हैं, कौन संदेश देगा उनका बाहर आके? ठीक है आशीष जी ठीक है। हाँ आशीष जी, मिलने दे रहे हैं आप? आशीष जी शुक्र है राणा जी, आपने मुझे बुला लिया, मेरी सब्र की अब बस हो गई थी। हाँ आशीष जी, आखिर परिवारवाद के खिलाफ शुरू करने वाले राजनीतिक और जो भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े हुए थे, अब वही उसके साथ चल रहे हैं, ये कैसे अलग राहें हैं जो कहते थे कि हम राजनीति की एक अलग राह बनाएंगे? राणा जी आपको, मेरे दोनों आदरणीय को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरे यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। राणा जी बड़ी विचित्र परिस्थिति है, मुझे तो आपके सवालों पे ही हैरानी हो रही है कि आप उनसे वफा की उम्मीद कर रहे हैं जो जानते ही नहीं कि वफा क्या है, आप उनसे नैतिकता की उम्मीद कर रहे हैं जो नैतिकता के सारे पैरामीटर बहुत पीछे छोड़ के जा चुके हैं। वो कहते हैं ना जो आए थे कोठे बंद कराने, जरा पैसों की खनक क्या देखी, खुद ही मुजरा करने बैठ गए। इनका तो वो हाल है कि ये सारे अपने नैतिकता के पैरामीटर कितने पीछे छोड़ आए हैं कि बच्चों की कस्में खा ली, कांग्रेस के साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा, कोई बंगला नहीं लूंगा, कोई गाड़ी नहीं लूंगा, कोई ऐशोराम नहीं लूंगा, कोई सिक्योरिटी नहीं लूंगा। अब कौन सा वादा इन्होंने अपना पूरा किया है? ये कहते थे कि पहले होना चाहिए किसी का भी रेजिग्नेशन, अगर किसी पे इल्जाम लगे बाद में करो इन्वेस्टिगेशन ताकि वो उसको अफेक्ट ना कर सके, और अब ये कहते हैं तुम करते रहो इन्वेस्टिगेशन, हम नहीं देंगे रेजिग्नेशन। यानी अपनी हर बात के ऊपर ये एक तरह से थूक के आगे बढ़ चुके हैं, ये भूल चुके हैं नैतिकता क्या है। खैर एनी हाउ ये अब तो बहुत बड़ी बात नहीं है इनके लिए, लेकिन जब ये बात स्टार प्रचारकों की करते हैं तो यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात रेलेवेंट टू द टॉपिक है, स्टार प्रचारक होता क्या है राणा जी? स्टार प्रचारक वो होता है जिसकी कोई फैनफेयर हो, जिसकी कोई स्टैंडिंग हो, जो क्राउड पुलर हो, उसको कहा जाता है स्टार प्रचारक। अरविंद केजरीवाल जी और उनके नेता जितने भी जेल में बंद हैं, जब ये ऐसे लोगों का नाम स्टार प्रचारकों की लिस्ट में दे देते हैं तो जनता को समझ में खुद आ जाता है कि ये लिस्ट स्टार प्रचारक की लिस्ट है या भ्रष्ट प्रचारक की लिस्ट है, भ्रष्टाचार प्रचारक हो रहा है या यहाँ कोई और अच्छा काम का प्रचार हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात, इसके बाद ये सुनीता केजरीवाल जी का नाम देते हैं और वो भी जैसे आपने बहुत राइटली पॉइंट आउट किया, बड़ा अच्छा होगा का आपने आज किया कि जब आपने पॉइंट आउट किया सुनीता केजरीवाल जी का नाम दूसरे नंबर पे है, पहले नंबर पे अरविंद केजरीवाल जी का है और उसके बाद तीसरे पे सीएम भगवत मान का है, यानी एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर के नाम से भी ऊपर सुनीता केजरीवाल जी का नाम डाल देना, बाकी तो छोड़ दीजिए एमपी संजय सिंह जी के नाम से ऊपर डाल देना वो चौथे नंबर पे, और पार्टी का जनरल सेक्रेटरी संदीप पाठक
पांचवें नंबर पे, उससे ऊपर सुनीता केजरीवाल जी का नाम डाल देना, ये क्लियरली ये दिखाता है कि ये पार्टी पूरे देश की नहीं, आम लोगों की नहीं, आम जनता की नहीं, सिर्फ एक परिवार की पार्टी बन के रह गई है, जो इल्जाम इनके पहले साथियों ने भी इनके ऊपर लगाए, जो इनको छोड़ छोड़ के चले गए। केजरीवाल संजय सिंह से ज्यादा बड़ी क्राउड पुलर है क्या? वो भगवत मान से ज्यादा बड़ी क्राउड पुलर है? द आंसर इज नो। वही सेम जवाब जो कांग्रेस को आज तक नहीं देना आया, जब उनसे पूछा जाता है राहुल गांधी तुम्हारा सबसे बड़ा नेता क्यों, क्या वो सबसे ज्यादा अनुभवी है, क्या वो सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली है, क्या वो सबसे ज्यादा उसका जीत परसेंटेज है, तो आंसर होता है नहीं। बिल्कुल, फिर भी वो सबसे ऊपर क्यों है? क्योंकि उसके नाम के पीछे गांधी लगा है। सेम वही हालत यहाँ पे। ठीक है आशीष, ठीक है बिल्कुल। निरंजन जी, परिवारवाद को नाना करते करते परिवारवाद में ही आकर फंस गए, और अब उनका यह कहना है कि वो सिर्फ एक मुख्यमंत्री की पत्नी की हैसियत से उन्होंने सारे संदेश पढ़े हैं और जनता को उसी हैसियत से वो स्टार प्रचारक भी बनने जा रही हैं। ऐसा है राणा जी, मेरा ये मानना है कि अब इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है, और ये क्या इतिहास दोहरा रहा है वो भी मैं आपको बता देता हूं। आज की तारीख में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं जो अपने आप को समाजवादी और सोशलिस्ट पार्टियां कहती है, सारी की सारी पार्टियां किसी जमाने में जयप्रकाश नारायण राम मनोहर लोहिया और उनके आंदोलन से उपजीवी पार्टियां थी, जो इस देश के अंदर पूंजीवाद, जो इस देश के अंदर साम्यवाद, जो इस देश के अंदर जिसको कहते हैं कि उसके उसके विरुद्ध या यूं कहें सामंतवाद के विरुद्ध खड़ी हुई थी, और आज जाकर के जिस तरीके से पूंजीवाद की स्वयं उन सारी चीजों की घोतक बन गई परिवारवाद, और उनका जो समाजवाद है वो कहीं ना कहीं केवल उनकी पार्टी उनकी टैगलाइन में समाजवाद रह गया, बाकी वो एक ही परिवार की पार्टी और राजा महाराजाओं की पार्टियां बन चुकी हैं, यानी कि जिस चीज को मिटाने के लिए आए थे उसी चीज के ऊपर आगे बढ़ते। तो आज ये इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है, जिस तरीके से 75, 76, 77 के उस आंदोलन से जो पार्टियां निकली थी उनका असर आज आप देख लीजिए, उसी तरीके से भ्रष्टाचार के भ्रष्टाचार मिटाओ आंदोलन से निकली हुई, अन्ना आंदोलन से निकली हुई राजनीतिक पार्टी आम आदमी पार्टी आज कदाचित आप ये समझ लीजिए वो ही कीर्तिमान, बराबर उससे भी बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित कर रही है। सब बड़े बड़े कीर्तिमान कैसे? आपने देखा होगा कि जिस तरीके से बाकी की एक एक चीज थोड़ी है कि जितनी आवाजें इनके मुंह से निकली सारी की सारी तो बदल गई। अब इस चीज के ऊपर मेरे हिसाब से कोई भी चर्चा करना, कोई भी विश्वास कर विषय पे कोई भी प्रकार का समय देना मेरे हिसाब से समय व्यर्थ करना है, क्योंकि अब इनको जो भी चीज आप पूछेंगे एक ही बात कहेंगे कि हम राष्ट्रवाद की वजह से कर रहे हैं, हम राष्ट्र को बचाने के लिए कर रहे हैं। आप ऐसा क्यों, आप चोरी क्यों कर रहे हैं? राष्ट्र को बचाने के लिए कर रहे हैं। आप क्यों मिला रहे? राष्ट्र को बचाने के लिए कर रहे हैं। भाई हमारे पास एक नीचे गिरने की डर है ना उसको, और आज जिस तरीके से इस पार्टी की स्थिति आ गई है, तो अब आप ये समझ लीजिए मेरे हिसाब से अब इससे ज्यादा वो हमारे यहाँ एक कहावत है राणा जी, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, किसी को बुरी लगे अच्छी लगे, हमारे यहाँ कहा जाता है कि राठौड़ी के लिए तो जो रह होती है ना वही गाली बराबर होती है, उसके बाद में तो चाहे आप काला मुंह करो, गद्दे पे बैठाओ, जूतों की माला पहनाओ, गांव में घुमाओ, लेकिन उससे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन राठौड़ी को तो अगर आपने रह कह दी तो उसको ऐसा लगा कि मेरा अपमान हो गया, तो यहाँ पे अब वो कहानी है कि राठौड़ी वाली चीज तो रही नहीं, अब आप उसके बाद में कुछ भी करो, अब इसके बाद में कुछ भी करें, सारी की सारी चीजें इनकी आप ये समझ। हाँ ठीक है, ठीक है देव मोहन जी, तो स्टार प्रचारकों की लिस्ट में जो दूसरे नंबर पर सुनीता केजरीवाल का नाम है, क्या वो भी एक मुख्यमंत्री की पत्नी होने की हैसियत से ही है? मुख्यमंत्री की पत्नी होने की हैसियत से नहीं कह रहा, देश के नागरिक होने के, और प्रचार करना कोई परिवारवाद नहीं होता है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आखिर सुनीता केजरीवाल को स्टार प्रचारक की लिस्ट में रखने की वजह क्या है? क्या क्या आपने कहा कि एक भारतीय नागरिक होने के नाते है, तो क्या आम आदमी पार्टी किसी को भी स्टार प्रचारक बना देगी? आप यदि नहीं, किसी को भी थोड़े बना देते हैं। हाँ तो वही तो पूछ रहा हूँ, सुनीता केजरीवाल को क्यों बनाया गया है ना जी, मैं वही बता रहा हूँ। तो पहले आपने पूछ लिया, पहला वाला सुन लिया कीजिए, फिर बोला कीजिए, आप जवाब दीजिएगा लाइन पर रहकर। हाँ मैं बिल्कुल जवाब दीजिए, इंटरप्ट करेंगे तो मैं कैसे जवाब दे पाऊंगा। सुनिए,
देखिए, प्रचार करना परिवारवाद नहीं है, और जिस तरीके से इस देश में तानाशाही और निरंकुश परिवारवाद चल रहा है, निरंकुश मैं क्यों कह रहा हूं आप जानते हैं, क्योंकि जय शाह को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना रखा है। क्यों बना रखा है? वो राजनीति में है क्या? कौन सा टेस्ट क्वालिफाई किया? वो राजनीति में है। राजनीति नहीं, परिवारवाद बता रहा हूँ आप। मैं यही तो आपसे जानना चाह रहा हूँ ना कि बीजेपी का परिवारवाद, कांग्रेस का परिवारवाद आम आदमी के परिवारवाद से अलग कैसे है? आपने कहा कि स्टार प्रचारक है, एक आम आदमी होने के नाते कोई भी बन सकता है। आपने कहा कि वो एक पत्नी होने के नाते वहां पर संदेश पढ़ रही थी। बोलने नहीं देंगे बीच में, नहीं तो आप अगर सवाल के जवाब पर आप रहेंगे, मैं बीच में एक भी बार नहीं टोकूंगा। अगर आप सवाल के जवाब पर रहेंगे, मैं बीच में एक बार भी नहीं टोकूंगा। आपने बीच में पंकज सिंह का नाम लिया था, तो मावल मिश्रा और मिश्रा कौन है? तो ये पहली लाइन बोल देव मोहन जी, आपने राजनाथ सिंह और पंकज सिंह का नाम लिया था, आपने पंकज सिंह और राजनाथ सिंह का नाम लिया था, तो महाबल मिश्रा और विनय मिश्रा फिर कौन है? मैं वही बता रहा हूँ। हाँ, मैं वही बताने, आप सुनते रहिए। देखिए, इस देश में जिस तरह से तानाशाही चल रही है और जिस तरह से निरंकुश परिवारवाद चल रहा है, इसी राजनीति से उनको देखिए किस सेक्टर में ले जाके फायदा दिया गया, मैं वो बता रहा हूँ। तो जो निरंकुश परिवारवाद चल रहा है, उसमें देश की सिर्फ सुनीता केजरीवाल जी नहीं, इस देश की हर माँ को, हर बहन को, हर बेटी सड़क पे आ रही है और वो आना पड़ेगा। कहाँ से आप कौन सी बात कहाँ उठा कर ले गए? अच्छा ठीक है, बताइए ना, मनीष सिसोदिया की पत्नी क्यों नहीं है फिर स्टार प्रचारकों में? सत्येंद्र जैन की पत्नी क्यों नहीं है स्टार प्रचारकों में? अरे आप थोड़ा सा पढ़ के आते तो पता चलता। हाँ, तो आप बताइए ना, मैं तो नहीं आया पढ़ के, आप पढ़कर आए ना। सिसोदिया जी की पत्नी भाई, उनके अपने रीजन हो सकते हैं ना, बीमार हैं वो, यही तो हम कहते आ रहे हैं कि वो बीमार हैं, जबरदस्ती बिना सबूतों के उनके, मनीष सिसोदिया जी को आपने जेल में डाल रखा है। अरे मनीष सिसोदिया को जेल में किस वजह से डाल रखा है, इसका क्या लेना देना? मेरा सवाल बड़ा सीधा था, आपने कहा कि हर पत्नी और हर माँ बहन सड़कों पर आ रही है, उसको लेकर मैंने सवाल किया। सत्येंद्र जैन की पत्नी बीमार है। हाँ, सबका अपना अपना रोल है ना भाई, सब अपनी अपनी जगह प्रचार कर रहे हैं, आपको पता है। नहीं, मैं तो लिस्ट में नाम की बात कर रहा हूँ ना, अपनी जगह प्रचार तो सुनीता केजरीवाल भी कर सकती थी, लेकिन सिर्फ अरविंद केजरीवाल के ठीक नीचे उनका नाम क्यों? भगवंत मान से बड़ी नेता है सुनीता केजरीवाल, क्या आप ये मानते हैं? क्यों भैया? मनीष सिसोदिया से बड़ी नाम है पैनल में। सुनिए, इस पैनल में हम ही तीन लोग क्यों, ये आपका चैनल डिसाइड करेगा, आप डिसाइड करोगे। अरे तो मैंने हर पार्टी से लोग बुलाए हैं ना, बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं, आम आदमी पार्टी के भी हैं और राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, कोई सी भी बात कहीं भी कंपेयर कर देंगे आप। वो निकली हुई है इस देश को बचाने के लिए कि इंग्लिश का टीचर इंग्लिश से क्यों पढ़ाएगा, कहां जिम्मेदारी, कौन सा तर्क लाते हैं आप? कम से कम तर्क तो सही सा दिया करें देव जी, कम से कम तर्क तो अच्छा देते। देखिए, आपके सवालों का जवाब ही दे रहा हूं मैं आपसे पूछता हूं कि क्या वो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, क्या वो पार्टी के मेंबर हैं, आप जवाब नहीं देते। मैं पूछता हूं अरविंद केजरीवाल के ठीक नीचे उनका नाम क्यों, क्या मनीष सिसोदिया, राघव चड्ढा या फिर भगवंत मान से बड़ी नेता है, आप जवाब नहीं देते। आप कहते हैं तानाशाही चल रही है देश में, इसका तानाशाही से क्या लेना देना? मैं वही कह रहा हूँ ना कि देश में निरंकुश परिवारवाद को खत्म करने के लिए, कौन सा निरंकुश परिवारवाद? आप घूम फिर के बस एक शब्द आपने आज पकड़ लिया है निरंकुश, तो बस उसी को रटेंगे आप आज पूरे दिन। कहाँ जिम्मेदारी है, वो अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहा है। वही तो जिम्मेदारी आप कैसे स्पष्ट करेंगे जनता के सामने, जनता के सामने कैसे स्पष्ट करेंगे? जी की पत्नी कहाँ प्रचार कर रही है, वो कर रही है ना, उनको भी पता है कि इस देश को बचाना है तो सड़क पे निकल के प्रचार करना होगा। तो फिर नहीं, ये बात तो फिर राहुल गांधी भी कह सकते हैं, ये बात तो मुलायम सिंह भी कह सकते थे, ये बात राजनाथ सिंह भी कह सकते हैं, अजीत सिंह जी भी कह सकते हैं, और अजीत सिंह कह रहे हैं जनता नकार रही है ना भाई, शरद पवार भी कह सकते हैं, शरद पवार भी कह सकते हैं नहीं कह सकते हैं, शरद पवार कह सकते हैं नहीं कह सकते हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री भी कह सकते हैं, तो फिर तो कौन निरंकुश है, कौन कैसा परिवारवाद है, बस इसकी डेफिनेशन सीखते रहे बैठकर। आशीष जी, जनता नकार, ठीक है आशीष जी, आज उनको एक नया शब्द मिल गया है, निरंकुश परिवारवाद, बस आज उन्होंने उसी शब्द को रटा हुआ है। कुछ भी सवाल करो सीधा आता है तानाशाही चल रही है, निरंकुश परिवारवाद अलग होता है।
नहीं नहीं कुछ भी पूछो तो नहीं चलता। लौटूंगा आपके लौटूंगा देव मोहन जी, लौटूंगा आपके पास। क्यों नहीं है उनकी पत्नी भाई, सब लोग अपनी अपनी जगह जिम्मेदारी ले। देव मोहन जी मेरा सवाल, मेरा सवाल आशीष जी से है। आशीष जी जी राणा जी, आपके दर्शकों को कुछ बात यहाँ समझनी पड़ेगी कि कई बार क्या होता है कि अपनी पॉलिटिकल जमीन खोजने के लिए, अपना पॉलिटिकल अस्तित्व बरकरार रखने के लिए कई बार आदमी कुछ डेस्परेट स्टेप उठाता है। मान लीजिएगा मेरी गाड़ी चोरी हो गई, मैं कहता हूं जी मोदी जी ने चोरी करा दी। अब क्या है, सिर्फ मोदी जी का नाम लेने से मैं खुद को हाईलाइट कर रहा हूं, असल में मेरा और मोदी जी का कोई लेना देना है ही नहीं, उनका वो लेवल ही नहीं है ना मेरा वो लेवल है कि वो मेरी गाड़ी की तरफ सोचे या देखे। ठीक ऐसा ही हो रहा है यहाँ पे। गुजरात के अंदर 26 सीटें हैं, 26 सीट के अंदर इनका जो ट्राई भी कर रहे हैं ना, दो सीटों पे ट्राई कर रहे हैं, जीतेंगे तो किसी पे भी नहीं, जमानत जब्त होगी, लेकिन ट्राई ही दो सीटों पे कर रहे हैं, जिसके लिए 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट निकाल दी, जैसे कि वो पता नहीं क्या कौन सा परिवर्तन लेके आ जाएंगे। और इन्हें याद नहीं है तो मैं याद दिला दूं, 2019 में 26 के 26 सीटों में भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप की थी 63.1% वोट के साथ। तो अब ये दो सीटों के ऊपर जिसमें ये क्या करना चाह रहे हैं भगवान जाने। लेकिन दूसरी बात एक और समझनी है, इनकी लड़ाई बीजेपी से तो है ही नहीं। आप इनसे बार बार सवाल कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी के बाद सुनीता केजरीवाल जी का नाम क्यों, इसलिए क्योंकि आप देखिएगा पिछले कुछ दिनों से जहां हर बार सुनीता केजरीवाल जी के मैसेज आ रहे थे, वो उनकी एक पॉलिटिकल हाइट ग्रो हो रही थी, अचानक क्या हुआ, संजय सिंह जी जेल से बाहर आ गए और सुनीता केजरीवाल जी के मैसेज आने बंद हो गए। यानी लड़ाई इनके आपस में है, अंदर की लड़ाई है। अरविंद केजरीवाल जी के हाथ में हो तो वो आज सुनीता केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री घोषित कर दें, पर वो संजय सिंह का क्या करें, वो राघव चड्ढा का क्या करें, वो आतिशी का क्या करें, ये इन लोगों ने उनको बनने नहीं देना और वो उनके अलावा किसी को बनाना नहीं चाहते। आप बताइएगा ना, जिस आदमी का नाम इन्होंने डाल दिया राघव चड्ढा, आशीष जी समय भी कम है, निरंजन जी से सवाल है। लंदन जाके आशीष जी, आशीष जी, आशीष जी समय कम है, आशीष जी समय कम है। निरंजन जी क्या आम आदमी पार्टी अब ये सीधे सीधे समझ गई है कि अब अगर दिशा को तय करना है तो सुनीता केजरीवाल को आगे लाना पड़ेगा, और इनका परिवारवाद कांग्रेस या बाकी पार्टियों से अलग कैसे हो जाएगा? उनका तो कहना है कि पार्टी तय करेगी, तो फिर ये बात तो सोनिया गांधी भी कह सकती थी, तब मुलायम सिंह यादव भी कह सकते थे, शरद पवार भी कह सकते हैं अभी भी। देखिए राणा जी, मेरा तो ये मानना है कि इन चीजों के ऊपर आम आदमी पार्टी से, चाहे वो सुचिता की अपेक्षा हो, चाहे ये सारी की सारी चीजें अपेक्षाएं करना बेमानी है। इनकी तो वो स्थिति होगी कि जिनको पकड़ने के लिए दौड़े थे कहीं ना कहीं उनसे आगे निकल गए, यानी कि आप ये समझ लीजिए निकले थे हरी भजन को ओटन लगे कपास, आज कहीं ना कहीं वो स्थिति हो गई। लेकिन आश्चर्य तब है कि जब लोग, इस प्रकार के लोग जो आकर के और यहाँ पे उन चीजों को भी डिफेंड करना चालू कर देते हैं और वो कहते हैं कि जी हम तो अपनी बहुत बड़ी बड़ी नौकरियां छोड़ करके आए थे और हम तो राष्ट्र सेवा के लिए आए थे, राष्ट्र को सुधारने के लिए आए थे। अगर उनको अभी भी लगता है कि वो राष्ट्र को सुधार रहे हैं तो भाई साहब उनको मेरे हिसाब से इलाज करवाना चाहिए, वो बढ़िया मानसिक डॉक्टर के पास जाकर के अच्छी कंसल्टेंसी लेनी चाहिए। ठीक है, शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत से ही जिन बातों का जिक्र किया था, भ्रष्टाचार और परिवारवाद को लेकर, आज पार्टी उसी लाइन पर चलती हुई नजर आती है। सुनीता केजरीवाल का नाम अरविंद केजरीवाल के ठीक नीचे स्टार प्रचारकों की लिस्ट में जब आता है तो यह सवाल उठने लगता है कि क्या संजय सिंह से बड़ी नेता सुनीता केजरीवाल हो गई है, क्या भगवंत मान से बड़ी नेता हो गई है, क्या मनीष सिसोदिया से बड़ी हो गई है, क्या सत्येंद्र जैन, राघव चड्ढा, आतिशी, सौरभ भारद्वाज से बड़ी नेता है, या फिर परिवारवाद की बू अब आम आदमी पार्टी के भीतर से भी आने लगी है। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए AMV नेटवर्क। नमस्कार।